हेलो नमस्कार जय हिंद स्वागत है आप सबका का ए एम वेद आरबी परिवार में आज डिस्कस करने वाले हैं यूपीटर प्लसी पेट दो जो 15 तारीख को प्रथम पाली में जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की को लेकर के तो आइए चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को पहला प्रश्न क्या पूछा गया था कि 40 प्रतिशत व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और 50 प्रतिशत व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं 10 प्रतिशत दोनों पढ़ते हैं तो कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते तो इसका ऑप्शन होगा सी यानी बीस प्रतिशत अगले प्रश्न की ओर देखेंगे अगला प्रश्न है कि पांच परिणामों का औसत छियालीस है पहले चार का पैंतालीस है पाँचवा परिणाम ज्ञात कीजिए तो पाँचवा परिणाम क्या आ जाएगा ऑप्शन डी यानी पचास क्लियर है तीसरा प्रश्न क्या था वंदेस दशमलव एट वन वन सिक्स प्लस सतहत्तर दशमलव चौवालीस इसका मान आपको ज्ञात करना था तो यह आ जाएगा आप जब सॉल्व करोगे कितना चौदह दशमलव दो नंबर चार है कि पादप कोशिका निम्नलिखित में से किस बनी होती है तो यह बनी होगी साइलोज की यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा छठे क्वेश्चन पे चलेंगे प्रश्न नंबर सिक्स छठा का है जब आप इन सबको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा बी तीस कितना आ जाएगा तीस क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हंड्रेड कितना होगा हंड्रेड सातवां प्रश्न है किस विकल्प में सही युग विलोम युग्म, युग्म है तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए नूतन नूतन का क्या हो जाएगा पुरातन अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आठ ख्याली पुलाव पकाना ख्याली पुलाव पकाना मोहरे का अर्थ है तो यह हो जाएगा असंभव बातों की कल्पना करना यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्रश्न नंबर नौ है महर्षि शब्द का संधि विच्छेद होगा तो महर्ष संधि का शब्द विच्छेद ऑप्शन डी प्लस ऋषि होगा किस विकल्प में सभी शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अवलंब अविलंब आधार का विलोकित अगले प्रश्न पे चलेंगे अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ग्यारह किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा पर्वती रुद्राणी और भवानी आप अपने प्रश्नों को मैच करते रहिएगा कि किस ऑप्शन में आपका सही उत्तर होगा क्लियर है अगले प्रश्न पे चलेंगे प्रश्न नंबर इंग्लिश का है प्रश्न नंबर बारह इसमें क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा नो ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न नंबर बारह को देखेंगे प्रश्न नंबर बारह है वाई आर द स्क्वायर्ड कलेक्टेड तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्या हो जाएगा फॉर बैटिंग क्लियर है भैया चौदह क्वेश्चन है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेष ने वह मेरी पत्नी की दादी की क्लोती तो इसमें आपका ऑप्शन बी ए सही हो जाएगा पत्नी क्या हो जाएगा पत्नी क्वेश्चन नंबर पंद्रह है असंगत को छाटना होगा फाइंड ऑड वन आउट तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा हंड्रेड हंड्रेड क्यों क्योंकि यह दस का स्क्वायर है क्या हो जाएगा दस का स्क्वायर है और सारे क्या हैं क्यूब में आ रहे हैं और सारे क्यूब हैं एक जनवरी 2006 को क्या है रविवार है तो एक जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा तो यह शुक्रवार होगा कौन सा हो होगा भैया शुक्रवार होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा सत्रहवा क्या क्वेश्चन है सत्रहवा क्वेश्चन में क्या पूछा गया था शाइनो नेम्स पूछा गया था पार्सल का तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा पार्ट कलर अट्ठारहवा क्वेश्चन है डिस पॉइंट में यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्या सेटिस्फाई ऑप्शन ए सही हो जवाब होगा उन्नीस का उन्नीस में क्या हो जाएगा ए उन्नीस में क्या हो जाएगा ए ए जवाब बिल्कुल सही जवाब होगा अगले पे चलेंगे बीस बीस में क्या पूछा गया है कि नॉर्मल नॉर्मल का ये कोड हुआ तो गेदर क्या क्या कोड होगा तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा ए कौन सा ए टी बी जी आर एफ एच यानी ऑप्शन का कौन सा सही हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा निम्नलिखित में 21वां क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से तो यहाँ पे सभी किताबें पेपर हैं कुछ पेपर जर्नल हैं कुछ जनरल कैलेंडर हैं तो यहाँ आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा इनमें से कोई नहीं ये सारे जो क्या हो जाएंगे रॉन्ग हैं इसमें से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा अगले प्रश्न क्यों चलेंगे प्रश्न नंबर कौन सा है प्रश्न नंबर बाईस प्रश्न नंबर बाईस बाईस का कहा गया है कि भारत की भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन ये कहाँ चली गई थी कोलकाता यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भूम तैयार किया है तो यह तैयार किया है इजराइल ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में इंडियन इंटरनेशनल बुलियन तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी कहाँ पे गुजरात में कहाँ पे ऑप्शन सी गुजरात के अहमदाबाद में पच्चीसवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है तो यह किया है चीन ऑप्शन डी सही हो जाएगा प्रश्न नंबर छब्बीस क्या है भारतीय वायु सेना ने जुलाई दो में कहाँ पर भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था तो यह किया है स्काईलाइट ऑप्शन बी सही होगा स्काई लाइट भारत के किन दो शहरों के बीच भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयरलाइन तो यह हो जाएगा मुंबई से अहमदाबाद यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़ चलो अभियान बढ़ चलो अभियान किसने तो संस्कृति मंत्रालय यानी ऑप्शन बी सही होगा संस्कृति मंत्रालय अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर no. उन्तीस पूछा गया था कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश नहीं है तो कौन सा नहीं होगा सी यू ए यू ए ई ऑप्शन सी सही हो जाएगा तीस में क्या है तीस में पूछा गया था ए फोर भारत में नील केंद्रीकरण केंद्र तो यह हो गया था ऑप्शन डी आई आई टी मद्रास आई आई टी मद्रास क्लियर है प्रश्न नंबर ग्यारह इकतीस देखेंगे इकतीसवां क्या कहा गया था चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया या किसने किया था अमित शाह ऑप्शन ए सही हो जाएगा अमित शाह हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है कौन सा है यह गोवा कौन सा गोवा यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा भैया अपने मैच करते रहिएगा सारी प्रश्न मैच करते रहिएगा अंतर्राष्ट्रीय योग्यता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है बाईस मई किस तारीख को मनाया जाता है बाईस मई यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा अगला प्रश्न क्या है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा हो जाएगा माजुली द्वीप यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे आपका टाइम बिल्कुल नहीं लेने वाले बस फटाफट आप उत्तर मिलान करते चलिएगा पैंतीस पे आ गए हैं पैंतीसवां क्वेश्चन क्या था हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा तो यह थी ऑप्शन ए कौन सी हो फॉरिंट कौन सी थी फोरेंट यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा छत्तीसवाँ देख लीजिएगा स्वतंत्रता के बाद भारत के आधार भाषा के आधार पर बने भारत का पहला राज्य तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश कौन सा आंध्र प्रदेश ए ऑप्शन तो सही हो जाएगा लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष कितनी 25 वर्ष यानी ऑप्शन सी सही होगा 25 वर्ष अड़तीसवें प्रश्न पर चलेंगे अड़तीस यू एन एफ सी 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 का अर्थ निम्नलिखित में से क्या हो गया है तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्लियर है भैया ऑप्शन बी नोटंकी नोटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है तो उत्तर प्रदेश कहाँ का होगा उत्तर प्रदेश ऑप्शन ए सही होगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है तो यह हो जाएगा स्विट्जरलैंड कहाँ पे भैया स्विट्जरलैंड ऑप्शन बी सही हो जाएगा किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर ऑफ द माइंड किसने लिखी है तो यह लिखी स्वामी विवेकानंद ऑप्शन बी ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका यह पैराग्राफ से पैराग्राफ में पैराग्राफ में बयालीसवां क्वेश्चन देखो पयालीसवां क्वेश्चन क्या कहा था साहित्य अपने साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार करता है तो यह करता है ऑप्शन बी ऑप्शन बी दुष्प्रभावों को सामने लाकर ऑप्शन बी सही होगा तैतालीसवां ते क्वेश्चन देखो तैंतालीसवाँ साहित्य समाज के प्रति अपने लच उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है तो यह ऑप्शन ए सही हो जाएगा कौन सा ऑप्शन ए साहित्यिक समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कृतज का संदेश देता है क्वेश्चन नंबर चवालीस क्या था साहित्य हमें किस तरह से बुराई पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है तो यहाँ पर भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा राष्ट्र का इतिहास गरिमा संस्कृति सभ्यता पूर्वजों के विचार अनुसंधान आदि तात्कालिक साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा पैंतालीस क्वेश्चन की बात करेंगे साहित्य केवल समाज का दर्पण नहीं क्यों न, क्यों नहीं है तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ए सही होगा क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडम्बनाओं और विसंगतियों का पर प्रहार करके उसमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है 46वां क्वेश्चन क्या था प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है यह हो सकता है साहित्य और समाज यानी ऑप्शन ए सही होगा सैंतालीस क्वेश्चन पर चलेंगे गद्यांश में चिरस्थाई स्थाई का कौन सा विलोम सही है तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा छड़ भंगुर क्या हो जाएगा छड़ भंगुर सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए तो भैया सत्य की तलाश की जानी चाहिए ऑप्शन सी के द्वारा श्रद्धा पूर्वक अंत विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सत्य की सत्य का साक्षात करें यानी ऑप्शन सी के साथ चले जाएँ उनचास में देखोगे जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए तो भैया ए की तरह करना चाहिए कि संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए क्लियर है चलो पचासवा देख लेते हैं सत्य और अहिंसा की मार्ग को अंश की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है यानी ऑप्शन ए के साथ बिल्कुल सही जाना है सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं तो अंतर्नि सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही होने वाला है अगले प्रश्न पे चलेंगे प्रश्न नंबर बावन से छप्पन देखेंगे जो कि है आपका किसमें मैथ का तो यहाँ पर बावनवा क्वेश्चन में क्या आंसर हो जाएगा छब्बीस दशमलव छः छः यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब था तिरपन क्वेश्चन पे देखेंगे दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि तो इसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा बोनस की कुल राशि पॉइंट छः प्रतिशत कितनी पॉइंट छः प्रतिशत चौवनौ क्वेश्चन है 2011 में इन सभी पदों मदों पर कुल व्यय दो में का कुल व्यय का कितना प्रतिशत था यह प्रतिशत था अड़सठ दशमलव तीन तीन अड़सठ दशमलव तीन तीन छाछठ देख लेते हैं छा क्वेश्चन नंबर पचपन सभी वर्षों के लिए करों में कुल सभी में कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका एक अनुपात एक सौ इक्यावन एक सौ नौ अनुपात एक सौ इक्यावन छप्पनवा देखेंगे वर्ष तो दो हज़ार तेरह के दौरान दो तेरह के दौरान कितना हो जाएगा यह था सात सौ अड़तीस दशमलव चवालीस सात सौ अड़तीस दशमलव चवालीस लाख अब हम सत्तावन से इकसठ प्रश्नों को इस सारणी से आगे देखेंगे इकसठ से सत्तावन से इकसठ तो सत्तावनवा क्वेश्चन क्या था कि दस दिनों के दौरान अल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात यह कितना था पच्चीस छत्तीस कितना था भैया पच्चीस छत्तीस अगला है अल्टो और क्विड दिए गए दस दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी तेईस किलोमीटर है तो अल्टो और बीट द्वारा एक दूसरे को से मिलने के बाद गंतव्य तक पहुँचने में कितने समय लगेगा तो यहाँ पर भैया जीरो घंटा कितना लगता है जीरो ओवर यानी ऑप्शन सी सही था अगला है दिए गए दस दिनों के दौरान मिनी द्वारा उसकी औसत गत इतने किलोमीटर है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा छप्पन निन्यानबे छप्पन निन्यानबे अगला है साठ दिनों के दौरान साठ दिनों के दौरान टियागो मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात यह कितना हो जाएगा अट्ठारह पच्चीस कितना अट्ठारह पच्चीस यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा अट्ठारह पच्चीस इकसठ में देखोगे क्वेश्चन नंबर इकसठ में आपका उत्तर भी इकसठ किलोमीटर आ रहा है कितना इकसठ किलोमीटर इकसठ में इकसठ किलोमीटर क्लियर भैया इकसठ में इकसठ किलोमीटर अगला है अगला ग्राफ पे चलेंगे बाँसठवा क्वेश्चन है अब बहासठवें में जो उत्तर आपका आ रहा था कि 2013 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी थी तो वह थी पाँच यानी ऑप्शन बी सही था ऑप्शन बी सही था अब हम चलेंगे तिरसठवें क्वेश्चन पे तिरसठवा क्वेश्चन क्या था दी गई अवधि के दौरान में किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या और कम छोड़ने वालों की अधिकतम संख्या का अनुपात पूछा था यह नौ अनुपात तेरह कितना था नौ अनुपात तेरह यानी ऑप्शन डी सही होगा नौ अनुपात तेरह चौंसठवें प्रश्न पे चलेंगे चौंसठवा प्रश्न क्या था चौंसठवा प्रश्न है आपके लिए किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि हुई अधिकतम तो ये भैया था दो दो में इसमें दो, दो यानी ऑप्शन ए सही होगा आपका पैंसठ देख लेते हैं दो हज़ार तीन दो हज़ार दो से दो हज़ार तीन तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की कम वृद्धि कमी हुई तो एक प्रतिशत की कितनी एक प्रतिशत ऑप्शन बी सही हो जाएगा छाछ में देखेंगे दो हज़ार तीन में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या दो हज़ार छः में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी तो यह थी छियानवे कितनी छियानवे दशमलव पंद्रह प्रतिशत थी क्लियर भैया अगले प्रश्न क्यों चलेंगे अगला प्रश्न क्या कहा गया है प्रश्न नंबर सरसठ का, सरसठ कहा गया भैया ये आ गया आपका सड़सठ प्रश्न नंबर सड़सठ क्या था पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक थी यह थी 2012 में ऑप्शन बी सही होगा कब 2012 में अड़सठ देखो दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था तो यह था चार वर्षों में कितना चार कितना चार ऑप्शन डी सही होगा 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत गिरावट आई है तो लगभग नहीं एग्जैक्ट आई है कितनी बीस प्रतिशत की एग्जैक्ट बीस की गिरावट आई है सत्तर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं सत्रहवां क्वेश्चन देखो क्या कहा गया 2015 से 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था तो यह था 2012 से 17 के बराबर यानी ऑप्शन सी सही था इकहत्तरवां क्वेश्चन है कि 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि कितनी थी तो यह भैया एक कितनी थी एक अगला देखोगे बहत्तर पे चलेंगे बहत्तर में क्या था संगमरमर तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी शाहजहाँ क्या हो जाएगा ऑप्शन बी शाहजहाँ तिहत्तर की बात करेंगे किस युग को किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग हुआ है तो तांबे का पहली बार तो ये हो जाएगा ताम्र पाषाण युग यानी ऑप्शन बी सही होगा ताम्र पाषाण युग प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था तो राजगिर कहाँ किया गया था राजगिर ऑप्शन सी सही था अगला देख लो पचहत्तर पचहत्तर में कौन सा था देवप्रिय प्रियदर्शी किसे से कहा जाता था तो ये मौर्य साम्राज्य का सम्राट अशोक कौन था मौर्य सम्राट अशोक यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर छिहत्तर की जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत पर निम्नलिखित में किसका शासन था यह मुगल साम्राज्य यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा सतहत्तर पे बात करेंगे भू आंदोलन भूदान ग्राम आंदोलन विनोबा भावे कौन थी विनोबा भावे ऑप्शन ए सही होगा अठहत्तर की बात करेंगे दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से तो ये कौन थी तो ये थी कमला देवी चट्टोपाध्याय यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा अगला था क्वेश्चन नंबर उनासी राष्ट्र की पहली राष्ट्र की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा अमेरिकी क्रांति ऑप्शन बी सही होगा बात करेंगे हम अस्सी पे सरकार ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण मुंबई से सिंध प्रांत का निर्माण किया था डी भारत सरकार अधिनियम उन्नीस सौ पैंतीस डी ऑप्शन सही हो जाएगा इक्यासी चलो दिल्ली किस ये नारा किसने दिया था सुभाष चंद्र बोस चलो दिल्ली सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा बयासी क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर बयासी यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है तो यहाँ पर खनिज कौन सा नहीं होगा खनिज ऑप्शन बी सही हो जाएगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट तो ये कहाँ पर स्थित है तो नेपाल और तिब्बत नेपाल और तिब्बत यानी ऑप्शन सी सही होने वाला है चौरासी क्वेश्चन क्या कर रहा था अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या हो जाएगा तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्पदाप की तंत्र यानी ऑप्शन ए सही होगा अगला देखो पचासवा क्वेश्चन क्या है भारत मानक समय ग्रीन बिच ये कितना है साढ़े पाँच घंटा आगे ऑप्शन सी सही हो जाएगा साढ़े पाँच घंटा आगे है छियासवीं क्वेश्चन की बात करेंगे छियासवा का हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था तो भैया ये सभी क्या थे ये सभी ऑप्शन डी सही हो जाएगा सत्तासी देखो बिहार का शोक बिहार का शोक भैया किसे कोशी ऑप्शन डी सही हो जाएगा कोशी नदी को बिहार का शोक भारत की पंचवर्षीय योजनाएं राष्ट्रीय विकास परिषद यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा कौन सा ऑप्शन सी सही हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था की प्रारंभिक गतिविधियाँ यहाँ ऑप्शन ए प्राथमिक ऑप्शन बी यानी प्राथमिक क्षेत्र क्लियर है अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है नब्बे नब्बे क्या है निम्नलिखित में से कौन वाणिज्य बैंक नहीं है भैया सिडबी ऑप्शन डी कौन सा नहीं है सिड बी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा इक्यानवे क्वेश्चन देखेंगे क्या है निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करता है करके स्थापित करता है तो ये भी हो जाएगा वैधानिक ऑप्शन बी सही हो जाएगा वैधानिक निगम अगला देखो भारत की संघ कार्यप्रिणी में निम्नलिखित कौन शामिल नहीं है कौन शामिल नहीं होता उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तीनों शामिल होंगे डी राज, राज्यों का मुख्यमंत्री ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अगला प्रश्न है बानवे तिरानवे कौन ए, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर के गठन के बारे में दिए एक सौ चौबीस कौन सा हो जाएगा एक सौ चौबीस ऑप्शन डी सही हो जाएगा चौरानबे देखो चौरासी है के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाए ए सही हो जाएगा कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास पंचानवे क्वेश्चन शायद आ गया आपके हाँ सामने बाद में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये किसके किसके मंत्रालय के अधीन तो है तो यह भैया किस मंत्रालय के अधीन हो जाएगा क्या हो जाएगा ए गृह मंत्रालय के अधीन तो इसके गृह मंत्रालय होम मिनिस्टर छियानवे छियानवे क्वेश्चन क्या कहा गया है किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है संसद को ऑप्शन बी सही हो जाएगा किसे है संसद को और सतानवे क्वेश्चन देख लेंगे सत्तानवा क्वेश्चन कौन सा है आपका ये है कौन सा कृत्रिम रेशा कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है तो वनस्पति रेशा कौन सी जूट काटन कोलेक्सी सी सही हो जाएगा लेन कौन सा सी सही हो जाएगा लैनान अगले प्रश्न पे चलेंगे अट्ठानवे क्वेश्चन तारों का रंग तारों का रंग किस पर निर्भर करता है दबाव दूरी उसके तापमान ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्या उसके तापमान पर उसके तापमान पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा भैया निन्यानवे देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है कौन सी स्पीडिंग केस ये भी नहीं होगा सी बी सही हो जाएगा भैया ग्रीन हाउस ये भी गलत हो जाएगा ये भी गलत हो यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ऑप्शन बी सही होगा ठीक है और लास्ट क्वेश्चन क्या था निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है तो यह प्रभावित करता है भैया फेफड़े को ऑप्शन बी सही हो जाएगा किसको प्रभावित करेगा फेफड़े को प्रभावित करेगा तो कितना रहा आपका स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू धन्यवाद